न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने 28 अक्टूबर को एक बड़ी सनसनीखेज बात बताई। इसके एडिटर इन चीफ रजत शर्मा रात 9 बजे अपने शो आज की बात में आए और उन्होंने शो की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर उसे सुनकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। रजत शर्मा ने कहा कि पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा और साथ ही पाकिस्तान में मौजूद लोगों से कई बार कंफर्म भी किया और हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया और वहां मोदी मोदी के नारे लगे। इस बात को एक दफा उन्हीं के मुंह से सुन भी लेते हैं। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा। तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। एक चीज और है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, वो है इस चैनल पर चलने वाली टैगलाइंस। पहली टैगलाइन, पाकिस्तान की संसद में मोदी नाम का खौफ चल रहा है। दूसरी टैगलाइन, पाकिस्तान की संसद में गजब, मोदी मोदी नाम की गूंज। तीसरी, पाकिस्तान मोदी से डरता है, मोदी मोदी करता है। चौथी, मोदी के नाम पर संसद में इमरान को किसने चिढ़ाया। इसके अलावा न्यूज नेशन चैनल के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने इंडिया टीवी के वीडियो का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए लिखा, लो भाई पाकिस्तान की संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने यह वीडियो शेयर करते हुए यही दावा किया कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। ऐसा दावा करने वालों में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सांसद अर्जुन सिंह, सांसद और बीजेपी कर्नाटका की वाइस प्रेसिडेंट शोभा करांदजले, आरकेपुरम दिल्ली से भाजपा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा, बीजेपी दिल्ली के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रविंदर गुप्ता, सांसद संगीता कुमारी सिंह और हरिनगर सीट से विधायकी का चुनाव हारने वाले और टी शर्ट बेचने वाली एक वेबसाइट के फाउंडर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा प्रमुख नाम है। यहां आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो के बनाए जाने तक इसमें से एक ने भी अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया था। टाइम्स नाउ ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। हालांकि चैनल ने लिखा था कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन एक न्यूज चैनल जो कि एक फिल्म स्टार की मौत पर बैग में भरकर लाए गए चौंकाने वाले सबूतों के दम पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की नई मिसालें कायम कर रहा हो, वो किसी भी अहरे गहरे दावे को यूं ही टीवी पर दिखाने लगे, ये हजम नहीं होता। We've got some big stuff coming in. Yes. I've got a bag full of documents that we need to glean, make sense out of, sift through them. Times Now ने कुछ देर बाद अपना ट्वीट डिलीट तो कर दिया, लेकिन इसके YouTube चैनल पर एक वीडियो अभी भी मौजूद है जिसमें ये दावा किया जा रहा है। अब बात ये पता लगाने की कि पत्रकारिता के लिए पद्म भूषण पा चुके रजत शर्मा के इन दावों में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान की संसद में मोदी नाम के नारे लगे थे। वो दावे जिनके बारे में बकौल रजत शर्मा उन्होंने खुद पाकिस्तान में लोगों से कंफर्म भी किया था। असल में इंडिया टीवी के ये दावे गलत हैं। जो टैगलाइंस चलाई गई वो भी हास्यास्पद मालूम पड़ती हैं, क्योंकि वहां संसद में मोदी मोदी नहीं बल्कि वोटिंग वोटिंग के नारे लगाए जा रहे थे। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बहस हुई जिसमें वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संसद में ईश निंदा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना चाहते थे। वो अपनी बात रखते इससे पहले ही वहां विपक्ष ने वोटिंग वोटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर सदन के स्पीकर और खुद शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी विपक्ष की वोटिंग की मांग का जवाब दिया। जनाब स्पीकर, दे रहा हूं आपको भी, दे रहा हूं जी उनको, उन्होंने पहले रोक के दिया, आपको दे रहा हूं उसके बाद। ख्वाजा आसिफ साहब ने सर ये कोई वोटिंग सब नहीं कुछ है। होगा सब कुछ होगा, सबर रखे आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त आदम, ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती, ऐसे तो नहीं होती। रजत शर्मा अपने शो में कहते हैं कि पाकिस्तान की संसद में मोदी का नाम सुनकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आग बबूला हो गए। रजत शर्मा जो कि पहले ही ये दावा कर चुके थे कि उन्होंने वीडियो बार बार देखा, ये समझने में चूक गए कि असल में मोदी का नाम तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खेमे वाले लोग ही ले रहे थे और विपक्ष तो वोटिंग करने के लिए कह रहा था। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मोदी का नाम सुनकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आग बबूला हो गए। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि विरोधी दलों के एमपीज नरेंद्र मोदी का नाम लेकर
इमरान खान की सरकार को चिढ़ा रहे थे। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जो लोग नारे लगा रहे हैं उनके भीतर मोदी की रूह समा गई है, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और अब सत्ताधारी पक्ष यानी विदेश मंत्री के ठीक पीछे बैठे लोगों के मुंह से वो नारे सुनिए जिसमें मोदी का जिक्र आता है। पाकिस्तान के आवाम को नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, बिल्कुल। दरअसल इंडिया टीवी ने जो वीडियो चलाया उस पर उन्होंने अपने चैनल की टैगलाइंस वाली स्ट्रिप इस तरह से लगाई कि दर्शकों को मालूम ही नहीं चल पाया कि मोदी के नारे असल में पाकिस्तान विदेश मंत्री के साथी ही लगा रहे थे। और रजत शर्मा ने बता दिया कि ये नारे सुनकर शाह महमूद कुरैशी आग बबूला हो गए। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर मिले पूरे वीडियो में और इंडिया टीवी के पूरे ब्रॉडकास्ट में कोई भी दूसरा नारा सुनने को नहीं मिला जिसमें मोदी शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। रजत शर्मा ने इस सबके साथ एक और दावा किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों ने बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगाए। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा भारतीय वर्ग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में बेहद इंटरेस्ट रखता है और यह बात सोशल मीडिया पर बाकायदे देखी भी जा सकती है। लेकिन रजत शर्मा का यह दावा भी ठीक मालूम नहीं देता है। पूरे वीडियो में कहीं भी बलूचिस्तान की आजादी के नारे नहीं लगाए गए, यहां तक कि इंडिया टीवी भी ऐसे नारे दिखाने में नाकाम रहा। इस दावे की असलियत है शाह महमूद कुरैशी की कही बात, जहां वो ये कहते हैं, हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। आज जनाब स्पीकर बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। असल में शाह महमूद कुरैशी एक रोज पहले बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में सरकार विरोधी अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली की बात कर रहे थे, जहां पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भविष्य को बदलने का समय आ गया है। इसके साथ ही इस रैली को वीडियो लिंक के जरिए एड्रेस करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान की आजादी से जुड़ी बातें भी कही। अवाम चाहे वो क्वेटा का हो, कराची का हो, गुजरांवाला का हो, अवाम अब अपना आजादी चाहती है। रजत शर्मा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एमपी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान को चिढ़ा रहे थे और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जो नारे लगा रहे हैं उनके भीतर मोदी की रूह समा गई है। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि विरोधी दलों के एमपी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर इमरान खान की सरकार को चिढ़ा रहे थे। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जो लोग नारे लगा रहे हैं उनके भीतर मोदी की रूह समा गई है, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहां विदेश मंत्री की बातें भी सुन लेते हैं, जहां वो नरेंद्र मोदी की रूह समाने के बारे में बात कर रहे हैं। तुम पाकिस्तान की बात करते हो, आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोदी के जिक्र वाले नारे असल में विदेश मंत्री के ही खेमे से लग रहे थे और विपक्ष पर तो मोदी का साथ देने के आरोप लगाए जा रहे थे। और जहां तक मोदी का साथ देने और नरेंद्र मोदी की रूह समा जाने की बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में भी सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों, उन्हें चैलेंज करने वाले लोगों को पाकिस्तानी या पाकिस्तान का साथी कहने की, यहां तक कि पाकिस्तान चले जाने की हिदायत देने की रिवायत फलती फूलती चली आ रही है।